दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लेट्स कुक पे। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, आज हमने गर्मा गर्म टमाटो की चटनी बनाई है जो कि हम मोमो के साथ खाते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये है हमारी मोमो की चटनी बनाने के इन्ग्रीडियंट्स। तो यहाँ मैंने 4 टमाटर लिए हुए हैं और 4 मिर्च ली हुई है। अब हम इसके साथ इस तरीके से पानी डाल के एक बर्तन में रखेंगे और चाकू से इसको दो दो टुकड़ों में काटते हुए हम इस तरीके से पानी में डाल देंगे। साथ ही हम मिर्चों को भी डाल देंगे इस तरीके से। सभी मिर्चों के साथ हम यही करेंगे और इसको बॉईल होने के लिए हम गैस पे रख देंगे। जब टमाटर पूरी तरीके से बॉईल हो जाएगा तब हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे टमाटर और मिर्च बिल्कुल बॉईल हो चुके हैं अच्छी तरीके से। आप देख लीजिए इसे कितनी अच्छे से बॉईल हो गया है। और चलिए अब इसे ग्राइंड कर लेते हैं। वैसे ग्राइंड करने से पहले हम इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। तो अब हम इसमें जार में ऐड करेंगे हमारे टमाटर और मिर्चों को इस तरीके से। थोड़ा सा हमने ठंडा कर लिया है इसको, पूरी तरीके से ठंडा नहीं हो पाया है। आप मिक्सर को चलाने से पहले इसके ढक्कन पे कपड़े से ढक लें, अदरवाइज ढक्कन खुलने का डर होता है। सभी चीज़ों को हम डाल लेते हैं इस तरीके से और चलिए इसे अब ग्राइंड करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है, बिल्कुल अच्छे से ग्राइंड हो गया है ये। तो चलिए अब इसे फिर से एक बार पकाया जाए। तो दोस्तों, यहाँ मैंने कढ़ाई में तेल ऐड कर लिया है। यहाँ मैंने 1 चम्मच तेल का ही यूज़ किया है और मैंने मस्टर्ड ऑयल का यूज़ किया है। आप मस्टर्ड ऑयल ही ऐड करें अगर हो आपके पास तो, अदरवाइज़ आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने लहसुन की 4 कलियों को छोटे छोटे पीसेस में काट लिए हैं। अब ऑयल में हम इसको डाल देंगे। इसका कलर चेंज होने के बाद हम इसमें अपना टमाटर और मिर्च का पीस जो है चटनी बनाने के लिए उसको ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारी प्यूरी। तो इसमें हम ये प्यूरी धीरे से ऐड करेंगे। और कुछ देर के लिए इसे पकाएंगे। तो हमारी चटनी पक चुकी है तो अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार ऐड करें, इतना नमक इनफ है। और इसे 1 मिनट के लिए नमक को पकने देंगे। तो दोस्तों, आप जैसा कि देख सकते हैं हमारी मोमो की चटनी टमाटर वाली बनके बिल्कुल तैयार है। ये तीखी चटनी है और अगर आपको मीठी वाली चटनी की रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।